हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको चूड़ीदार पजामे की स्टिचिंग बताऊंगी और कितने इजी तरीके से ये मैंने पजामा सिला हुआ है मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। देखिए, जो हमारा पजामा सिला हुआ है कितना फिनिशिंग से सिला हुआ है। इसके दोनों पैर जो हैं वो इक्वल है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख कर पजामा सिलते हैं तो बहुत परफेक्ट तरीके से आप ये पजामा स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए, ये है मेरे पास कटिंग पजामे की और इसकी कटिंग जो है मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी या आपको इसकी कटिंग नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे आके इसकी कटिंग देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसकी कटिंग आपको बताई है। तो चलिए इसको अटैच कर लेते हैं। ये जो पजामा है वो ओरिप कट में ओरिप शेप में कटा हुआ है और उसमें ये जोड़ आता है। तो जोड़े कैसे अटैच करना है, कॉर्नर लाइन को कॉर्नर लाइन से मिलाना है हमें। और अगर आप बिगनर से तो आप पिन भी अटैच कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए इसमें पिन अटैच करके दिखा रही हूँ कि जब हम जोड़ अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद किस तरीके का ये लगता है। तो ये देखिए, हम पिन को कुछ इस तरीके से अटैच कर लेते हैं कॉर्नर लाइन को कॉर्नर लाइन में मिलाकर, और अच्छे से मैंने ये पिन लगा दी। खोलने पर देखिए ये कुछ इस तरीके का लगेगा हमारा, यानी जब स्टिच लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखिए, तो हमें दोनों ही पैरों के फैब्रिक है जो हमारा दो यानी पजामे के दोनों ही पैरों पर हमें इसी तरीके से जोड़ लगा लेना है और फिर जोड़ लगाने के बाद ही हमें इसमें म्यारी अटैच करनी है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए, मैंने जो वहाँ पर पिन लगाई थी जोड़ पे, हम वहीं पे अब लगा लेते हैं सिलाई। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखिए, हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है, जोड़ है हमारा। उससे क्या होगा, जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारे पजामे में जो है वो मजबूती रह जाएगी जहाँ पर हमने जोड़ लगाया है। तो ये मैंने लगा ली सिलाई। इसी तरीके से अब हमें जो हमारा पजामे का दूसरा पैर है उसमें भी हमें ऐसी सिलाई लगा लेनी है, यानी कि जोड़ को अटैच कर लेना है इसी तरीके से, और इसी तरीके से हमें उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। जो मैंने अपनी इस पजामे की कटिंग बताई है आपको, बहुत ही इजी वेज बताई है। जो बिगनर्स हैं जिन्हें सिलाई नहीं आती है तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से पजामा भी स्टिच कर सकते हैं और मेरी कटिंग वाली जो वीडियो है पजामे की उसको देख के बहुत ही इजी तरीके से पजामा भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये दोनों ही पजामे के जो दोनों ही पैर है उसमें दोनों ही जोड़ अटैच कर लिए हैं। अब अटैच करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारे जोड़ अटैच हुए हैं। ऊपर सिलाई लगाने से फ़ायदा क्या होता है, जो हमारा फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया है जोड़ अटैच। अब जोड़ अटैच करने के बाद हमें करनी है इसे म्यानी अटैच। तो म्यानी अटैच करने समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे जोड़ वाले पार्ट हैं वो एक दूसरे को फेस करने चाहिए, यानी कि हमें जहाँ भी म्यानी अटैच करनी है तो वो दोनों पार्ट हमारे जोड़ वाले एक साइड आने चाहिए और प्लेन वाले एक साइड आने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने रखे हैं ना, तो मैं इसी तरीके से इसमें म्यानी अटैच करूँगी। तो ये जो जोड़ वाले पार्ट हैं वो मैं अपने पजामे में आगे की साइड रखूँगी और जो प्लेन है यानी इसमें कहीं भी जोड़ नहीं है वो मैं पीछे के साइड रखूँगी। जोड़ वाले जो पार्ट हैं आप आगे की साइड ही रखिएगा हमेशा। क्या है कि आगे की साइड हम इसमें प्लेट देते हैं तो जो जोड़ वाला पार्ट है वो मजबूत रहता है आगे साइड। बैक साइड में क्या है कि शायद हो सकता है पजामा मजबूत ना रहे बैक साइड में जोड़ रखने से। तो देखिए, ये हमें कर लेनी है अब इसमें म्यानी अटैच। म्यानी अटैच करने का तरीका क्या है कि म्यानी हमेशा हमें नीचे से अटैच करनी है। जब हम फर्स्ट पार्ट में अटैच करें तो हम हमेशा नीचे के साइड से ही म्यानी अटैच करेंगे, जैसे मैंने की है। और जब हम सेकंड पार्ट में करेंगे तो सेकंड पार्ट को हमें ऊपर से अटैच करना है, यानी कि एक पार में जो हमने पार्ट में हमने म्यानी अटैच की थी तो नीचे से करना है। वही म्यानी जब हम दूसरे पार्ट में अटैच करेंगे तो हम ऊपर के साइड से अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसे क्या होता है, म्यानी हमारी
इक्वल सेट होती है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होती है, और ऊपर के साइड से छोटा बड़ा नहीं होता हमारा कपड़ा। अगर आप ऊपर एक ऊपर के साइड से करते हैं और फिर नीचे साइड से करते हैं तो आपका म्यानी जो है वो शेप भी चेंज हो जाता है और ऊपर नीचे भी आती है। देखिए मैंने कर लिए यहाँ पर म्यानी अटैच। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी म्यानी अटैच कर लेनी है। पहले हम नीचे के एक पार्ट में हम नीचे के साइड से म्यानी अटैच करेंगे, और जब हमारी म्यानी अटैच हो जाएगी एक पार्ट में, जब हम दूसरा पार्ट इसमें अटैच करेंगे तो वो हम ऊपर के साइड से अटैच करेंगे। देखिए ये हो गई हमारी इस तरीके से, इस तरीके से रखते हुए हमें म्यानी अटैच कर लेनी है। ये होगी ये म्यानी अटैच। अब म्यानी अटैच करने के बाद देखिए एक सिलाई हमें इसके ऊपर लगा लेनी है ताकि जो म्यानी है हमारी उसमें मजबूती आए अच्छे से। ऊपर के साइड से भी हम म्यानी को दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही म्यानी में हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये हमारी म्यानी की बलक चुकी है सिलाई, और अब हमें इसका पजामी का बेल्ट रेडी करना है। तो ये हमारे पास बेल्ट है, और बेल्ट में हमें नेफा लाइन जो है वो बनानी है। इसमें सिलाई लगा लेंगे। पक्का टाका देते हुए हम थोड़ा सा सिलाई को छोड़ते हुए नीचे साइड फिर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इससे क्या होगा कि जहाँ पर हमारा नेफा बनना है तो वहाँ पर एक होल होना चाहिए। तो ये होल कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। मैं इसको पलट कर हम लगा लेंगे सिलाई। ऊपर के साइड सिलाई लगाने के बाद हमें घुमाकर दूसरी लाइन में भी लगा लेनी है सिलाई। देखिए हमारी लग चुकी है इसमें सिलाई बेल्ट में। तो ये हमारी लग चुकी है सिलाई। सिलाई लगने बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, और जो जिसमें हमारा नेफा लाइन बननी है तो वो देखिए उसमें होल दिख रहा है। अब इसे हम पलट लेंगे। जितना हमें फोल्डिंग में रखना है नेफे की लाइन को उतना हम पलट के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, यानी कि नेफे की नेफा जो है वो रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो नेफा है वो कंप्लीट हो चुका है, और बेल्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो हमने बीच में सिलाई छोड़ी थी तो उससे वो हॉल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें अपनी पजामी को अटैच करना है। तो पजामी को अटैच कैसे करेंगे, बेल्ट है जो हमारा, बेल्ट को ले लेते हैं हम, और बेल्ट का जो जोड़ दिख रहा है आपको वहाँ से हम अपने म्यानी के जोड़ को रखते हुए इसमें प्लेटिंग डाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। जो नेफा बनाया हमने, सॉरी जो हमने बेल्ट बनाया है, बेल्ट में जो नेफे की लाइन है वो जो जहाँ पर जोड़ लगा हुआ है उस जोड़ को हम म्यानी की जोड़ से रखते हुए इसमें प्लेटें डाल के इस पजामी को हम बेल्ट में अटैच कर लेंगे। और बेल्ट में बीच सेंटर में हमने कट लगाया तो वहाँ से जो हम प्लेट डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे बैक साइड की म्यानी है तो वहाँ पर जो बेल्ट में हमने कट लगाया तो वो वहीं पर सेंटर में आनी चाहिए। मैं हमेशा सलवार सिलती हूँ, पजामा सिलती हूँ, कुछ भी सिलती हूँ तो मैं बैक साइड के पार्ट में भी हल्की सी प्लेटिंग देती हूँ जितना मेरा फैब्रिक होता है। यहाँ पर तो कमी फैब्रिक था तो मैंने यहाँ पर केवल दो ही प्लेटें डाली हुई हैं।
देखिए कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं बैक साइड में हमेशा प्लेट डालती हूँ, सही रहता है, थोड़ी मजबूती रहती है हमारी सलवार में पजामे में जो भी है, बैक साइड से प्लेट डालने पर। तो ये हमारा बेल्ट जो है वो सलवार में अटैच हो चुका है। देखिए प्लेटें जो हैं वो बहुत ही देख कर डालिएगा आप। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक हट्टी प्लेटें रख लेती हूँ अच्छे से सेट करके, और फिर मैं सिलाई लगा लेती हूँ बाद में। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने प्लेटें जो है एक बार में सेट कर ली हैं, और अब लगा लेंगी मैं इसकी ऊपर सिलाई। देखिए तो फाइनली ये हमारा बेल्ट जो है पजामे में अटैच हो चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से लुक आएगा ये। अब एक सिलाई हमें ऊपर की साइड दबाते हुए लगा लेनी है प्लेटों को। तो जब हम सिलाई लगाएं तो प्लेटों को अच्छे से सेट करके और बिठाल कर ही इसमें सिलाई लगाएं। सिलाई जो है हमें बेल्ट के ऊपर से लगानी है। यानी कि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी जो सिलाई है नीचे जो हमारी प्लेटें हैं उसके ऊपर आनी चाहिए, ना कि बेल्ट के ऊपर, ताकि हमारी प्लेटें जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं सलवार की। देखिए इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारी प्लेटें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब पजामे की जो मोहरी है वो फोल्ड कर लेंगे, और जितना मैंने मार्जिन रखा था मैं उतनी मार्जिन पे, देखिए मार्क लगा हुआ है मेरा, मैं उतनी मार्जिन पे इसे फोल्ड कर लेती हूँ। दूसरे वाले पैर की भी मोहरी जो है मैं वो फोल्ड कर लेनी है। तो ये भी फोल्ड हो चुकी है फाइनली। अब हमें डालनी है इसे फिटिंग। फिटिंग डालने के लिए देखिए मैंने दोनों मोहरी को पलट लिया है, और जहाँ पर हमारा मार्क है उस मार्क पर ही हम सिलाई लगा देंगे ये, क्योंकि ये फिटिंग का मार्क है हमारा। फैब्रिक को हमेशा इक्वली रखिएगा, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, वरना पजामे का जो शेप है वो पूरा चेंज हो जाएगा आपका, कहीं भी आपकी सलवटें पड़ सकती हैं। इसलिए आप फैब्रिक को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट करके फिटिंग डालें इसमें। तो फाइनली ये फिटिंग जो है हमारी डल चुकी है पजामे के ऊपर। देखिए कुछ तो ये हो चुका है हमारा फाइनल पजामा कंप्लीट। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।